आज सुबह 7 बजे खुले केदारनाथ धाम के कपाट, बड़ी संख्या में पहुंचे तीर्थयात्री, अगले 6 महीने तक दर्शन पूजन कर सकते हैं श्रद्धालु। आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के भी खुलेंगे कपाट, सुबह 10:30 बजे के आसपास यमुनोत्री धाम और 12:25 पर गंगोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सीएम धामी ने कहा, सुचारू रूप से चलेगी चार धाम की यात्रा, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा। हरिद्वार में खोले गए ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर पर अफरा तफरी का माहौल, रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद आज करेंगे नामांकन, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के साथ चिराग पासवान भी होंगे मौजूद। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा आज अपना पर्चा भरेंगे, भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह यहां से निर्दलीय प्रत्याशी। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे आज करेंगे नामांकन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। वाराणसी से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अजय राय आज नामांकन दाखिल करेंगे, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। बिहार के बक्सर में सियासी हलचल तेज, आज बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी और आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह अपना पर्चा दाखिल करेंगे। झारखंड के दुमका से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद। आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के चुनावी दौरे पर पीएम महाराष्ट्र में 1, तेलंगाना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम के भुवनेश्वर रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में भारी भीड़ जुटने की संभावना। आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, सुबह पंचकुला में रोड शो करेंगे। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के खूंटी में करेंगे जनसभा, बंगाल में भी 2 जनसभाएं और रोड शो। आज झारखंड और ओडिशा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के दुमका और गोड्डा में जनसभा, ओडिशा के पुरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। आज यूपी के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कन्नौज और कानपुर में प्रचार करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समृद्ध भारत फाउंडेशन का राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन सम्मान होगा, राहुल गांधी होंगे शामिल। यूपी के कानपुर में बीएसपी प्रमुख मायावती का चुनावी कार्यक्रम है, अकबरपुर संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में देरी होने का दावा, इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल आज शाम चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान है। मध्य प्रदेश में बैतूल के 4 मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान है, बस में आग लगने की वजह से ईवीएम मशीनें प्रभावित हुई थी। दाहोद लोकसभा के 1 मतदान केंद्र पर भी आज फिर से मतदान होगा, बूथ पर हुई थी ईवीएम कैप्चरिंग की घटना। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में नाबालिग से वोट डलवाने का मामला है, बैरसिया पीठासीन अधिकारी निलंबित किए गए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 10 साल बाद राहुल के हिम्मत देने पर करप्शन पर बोल पाए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, बोले पीएम मोदी ने अदानी जैसे लोगों के लिए काम किया, कहा अब कांग्रेस बनाएगी करोड़ों लखपति। हैदराबाद में बोले राहुल, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया चुनाव जीते तो बदल देंगे हिंदुस्तान का संविधान। अमेठी में पिता राजीव गांधी जी को याद कर भाव हुई प्रियंका गांधी, साझा की बचपन की स्मृतियां। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी, इंदिरा जी, राजीव जी को बोलते हैं देशद्रोही, हमें विरासत में सेवा शहादत का जज्बा मिला। प्रियंका गांधी ने झारखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जनसभा में कहा बीजेपी नेता कह रहे सत्ता में आए तो बदल देंगे संविधान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा, अगर कांग्रेस और उनके घटक दल विरासत टैक्स की सोच रखते हैं तो ये चिंता का विषय। मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य की कंगना को चेतावनी, कहा मुझे अपनी मर्यादा को पार करने पर मजबूर ना करें। यूपी के फतेहपुर में जेपी नड्डा ने कहा, पहले यहां बम बनाने की फैक्ट्री थी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जुड़ गए विकास के नए आयाम। सीतापुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच ये चुनाव है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा, सभी को मिले न्याय, वोट के लिए ना हो तुष्टिकरण। लखनऊ में जेपी नड्डा ने की पार्टी नेताओं के संग मीटिंग।
टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, खुद के गिरेबान में नहीं झांकते। मुंबई उत्तर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम ने एबीपी न्यूज से कहा, जब मेरे प्रधानमंत्री सेवक हैं तो मैं भी सेवक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है आदेश। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने जताई आपत्ति। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा। केजरीवाल की अंतरिम जमानत के फैसले से पहले आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी। सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रचार का रोड मैप तैयार, दिल्ली हरियाणा और पंजाब में प्रचार कमान संभालेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महाराष्ट्र के नामी सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का मामला आज पुणे सेशन कोर्ट में सुनाया जाएगा फैसला। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड के मुकदमे का ट्रायल आज से होगा शुरू। अभिनेत्री लैला खान मर्डर केस में आरोपी परवेज दोषी करार। महादेव सत्ता ऐप मामले की जांच हुई तेज, एसीबी टीम ने हवलदार विजय पांडे के चारामा स्थित आवास को सील किया। यूपी के रामपुर में शादी में ना बुलाने पर दूल्हे को गोली मारी गई। यूपी एसटीएफ ने गोरखपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया। बिहार के अररिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर भी गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में कुणाल नाम के लड़के की हत्या का खुलासा किया गया। हत्याकांड में कुणाल का मौसा भी शामिल, एक आरोपी पर था लड़के के पिता का करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज। अपहरण के बाद कुणाल के सेक्टर 127 स्थित एक फ्लैट में ले गए थे आरोपी। 1 मई को अपहरण के बाद से खोज चल रही थी। यूपी के संभल में मतदान के दिन पत्नियों की जगह ड्यूटी करने का मामला, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में गोद लिए बेटे ने मां की हत्या की। लखनऊ में अवैध संबंधों के चलते महिला ने करवाई पति की हत्या। मसूरी में गुस्से में होम स्टे संचालक, नहीं बन रहे नए लाइसेंस। दिल्ली में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अयोध्या के राम सेवकपुरम में गुरुवार को दोपहर लगी आग, मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बिहार के पटना में बीएसएनएल कार्यालय में आग लगी, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के सिरोही में सरकारी स्कूल की हो रही चर्चा, ट्रेन के कोच की तरह क्लासरूम बनाए गए। गुजरात के सूरत में जेल में सजा काट रहे कैदियों ने पढ़ाई में अपना दम दिखाया, 9 कैदियों ने पास की है परीक्षा। भोजशाला में गुरुवार को 49वें दिन के सर्वे का पूरा काम हो चुका है, एसआई अधिकारियों की टीम कर रही सर्वे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गुरुवार को बदला मौसम का मिजाज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बारिश। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश से भीगा सैकड़ों टन गेहूं, किसानों को परेशानी हुई।